बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज इस प्लांट के बारे में बात करेंगे। उसका नाम है यूफोर्बिया। इसे अफ्रीकन मिल्क बुश भी कहते हैं। ये एक सकुलेंट फैमिली से प्लांट बिलोंग करता है और अक्सर सर्च के ऊपर इसके यही आता है कि इस पे फ्लावरिंग होती है। लेकिन मैंने जितनी भी सर्च की है, जितने भी लोगों की वीडियोस देखी हैं, उन्होंने यही बोला है कि फ्लावरिंग होती है, लेकिन हमारे पास आज तक फ्लावरिंग नहीं हुई। मेरे पास भी ये बहुत अरसे से प्लांट है, इस पे फ्लावरिंग होते हुए मैंने नहीं देखा। इसके सर्दियों में पत्ते झड़ जाते हैं और मौसम ठीक चेंज होते ही वापस से आना शुरू हो जाते, सिर्फ टहनियाँ रह जाती हैं। इसलिए आप कोशिश करें कि जब सर्दियों में इसे बिल्कुल शेड में रखें ताकि इसके ऊपर डायरेक्ट ओस वगैरह ना पड़े, तो इसके पत्ते ऐसे ही लश ग्रीन रहते हैं। ये मेरा मदर प्लांट है, इस प्लांट से ही मैंने सारे प्लांट्स रेडी किए हैं। ये बहुत इजी है ग्रो करने के लिए। आप इसकी सिर्फ टहनी काटें और आप इस किसी बॉटल वगैरह में लगा दें तो ये खुद से ही ग्रो होना शुरू हो जाता है। इसके लिए कुछ स्पेशल एफर्ट करने की जरूरत नहीं होती। सिर्फ ये है कि जब आप कटिंग लगाएं तो आप इसे किसी शेडी एरिया में रख दें, 5-6 दिन बाद आप इसे धूप में रख दें। ये पीरिनियल प्लांट है, इसे आप गर्मियों में रोज पानी दें, लेकिन सर्दियों में खुश्क मिट्टी होने पर ही इसे पानी दें आप। अगर आप इसे जमीन पे लगाते हैं, ये बिल्कुल एक छोटे से दरख्त की शक्ल तैयार कर जाता है। पौधे भी बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह होते हैं। ये बोल तो नहीं सकते, लेकिन ग्रो कर अपने एक्सप्रेशन से आपको बता देते हैं। पौधे भी अपने एक्सप्रेशन से आपको बता देते हैं कि वो खुश है या उन्हें किसी चीज की प्रॉब्लम है। अब मौसम चेंज हो रहा है तो देखेंगे कि आप पत्तों के कलर जो है वो येलो हो रहे हैं, तो आप समझ जाएं कि इन्हें ओपन एरिया नहीं पसंद, तो आप इनकी जगह चेंज करते हैं। ये तजुर्बा आपको तभी हासिल होता है जब आप इसे एक्सपीरियंस करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।